वेलकम इन्वेस्टर्स, अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 6 अप्रैल 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम कैनरा बैंक के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कल जो हमें 5% के आसपास का जो फॉल देखने को मिला और आज यहाँ पे एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, तो क्या कुछ प्राइस एक्शन आने वाले दिनों में हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मंथली चार्ट पे और वहां पर देखेंगे कि किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कैनरा बैंक का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट पे सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो सप्लाई लगभग यहाँ पे खड़ा है 204 से लेकर तो 231 तक, ये एक मंथली सप्लाई है। और अगर हम रिसेंट टू हाइज को यहाँ पर कनेक्ट कर दे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा, जो अभी मैंने ब्लैक कलर का जो लाइन ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है 232 से लेके 210 का ये मंथली सप्लाई है, ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ये ऑन टाइम नहीं बता रहे हम पहले ही बता रहे हैं। जब भी प्राइस यहाँ पे मंथली सप्लाई में आएगा तब हमें कैनरा बैंक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो कैनरा बैंक ने यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की। आप देखेंगे 75 रुपीज के आसपास यहाँ पर प्राइस ने एक लो बनाया और उसके बाद यहीं से फिर से अपने 75-80 रुपीज के आसपास लो बना के अपसाइड मूव करने की कोशिश की। उसी के साथ आप देखेंगे ये जो मंथली डाउन ट्रेंड लाइन है, ये इस कैंडल के साथ मंथ ऑफ दिसंबर का जो कैंडल है उसी के साथ ये हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का प्राइस एक अपसाइड मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ 4-5 वीक का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं बायर जो है जिन्होंने यहाँ खरीदा था, एक्युमुलेट किया था 86 टू डिजिट पे, तो उन्होंने जैसे स्टॉक का प्राइस 3 डिजिट हुआ तो यहाँ पे उन्होंने उसमें प्रॉफिट बुक करना मुनासिब समझा और उसी के चलते हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट 3 मंथ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब उसी के चलते यहाँ पर एक सप्लाई बन चुका है वीकली सप्लाई, जो कि 171 से लेकर तो 159 का है। अब चलेंगे हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, मींस डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है उसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक डेली डाउन ट्रेंड है और उस डाउन ट्रेंड लास्ट ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था 31 मार्च 2020 का, तो उसी कैंडल के साथ में यहाँ पे डाउन ट्रेंड ब्रेक तो हुआ लेकिन हमें किसी भी प्रकार का अपसाइड मूव यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ एक रेंज प्ले आउट हो रही है। यहाँ पर देखिए 156 का जो एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपने सप्लाई के जस्ट मुहाने पे ही 156.50-60 रुपीज का ये रेजिस्टेंस है और ये कंटिन्यू स्टॉक के प्राइस को अपसाइड मूव करने में यहाँ पे रोक रहा है। उसी के साथ स्टॉक एक नैरो रेंज में ऑन डेली चार्ट पे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखना ये है कि ये जो यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेडिंग चल रहा है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ये कब तक चलता है। ये अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें डेली बेसिस पे इसके ऊपर कॉन्फिडेंट अगर क्लोजिंग देखने को मिलता है तो आने वाले दिनों में ये जो वीकली सप्लाई है ये ब्रेक होके स्टॉक में अपसाइड जो टारगेट्स है 206 के ये ओपन हो जाएंगे। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो डाउनसाइड के लगभग 123 के जो टारगेट्स है वो ओपन हो जाएंगे। तो ये था कैनरा बैंक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसी के साथ डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। यह एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।